पचोरी सांझ सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लाए है हाई ब्राइटनेस और इंटेंसिटी के साथ सांझ एलईडी लाइट। अन्य एलईडी लाइट की तुलना में 6 घंटे ज्यादा चले और पूरी 85% बिजली बचाए। 9 वॉट के एलईडी बल्ब 2 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। इंडिया की नंबर 1 ISO सर्टिफाइड कंपनी। तो अपने घर और शॉप की रौनक बढ़ाने के लिए सिर्फ सांझ एलईडी बल्ब अपनाएं। भुली और मोलडोंगरी के बीच मंगलवार रात्रि गश्त के दौरान वन विभाग ने अवैध सागुन की चरपट से भरे वाहन को पकड़ा है। एक युवक को हिरासत में लिया गया है। रेंजर प्रभुराम मुछाला ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार रात को गश्त के दौरान भुली रोड पर संदिग्ध दिखाई देने पर वाहन क्रमांक MH 37B 822 को रोक कर पूछताछ की गई, जिसमें गद्दियों के नीचे अवैध सागुन की चरपट छुपा कर रखी गई थी। कुल 13 नग चरपट जब्त की गई है। वाहन को राजसात करने की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी शास्त्री वार्ड निवासी सुफियाना वल्द शाहिद शेख उम्र 22 साल के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927, मध्य प्रदेश विनिर्दिष्ट वन उपज अधिनियम 1969 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 28 मार्च को रात्रि गश्ती के दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोका गया और पूछताछ करने पर उसमें सागौन के अवैध चरपट पाए गए। वैध दस्तावेज की मांग करने पर ड्राइवर के द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया तो उक्त वाहन को मैं वनोपज के जब्त कर परिक्षेत्र कार्यालय पांडुना लाया गया और शासकीय कार्रवाई शुरू की गई। इस वाहन पर भारतीय वन अधिनियम 1927 और मध्य प्रदेश वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान रेंजर प्रभुराम मुछाला, डिप्टी रेंजर IN पांडे, वन रक्षक शिव कुमार तिरकाम, राजेंद्र कुमार कुसरे, अल्केश इंदुरकर उपस्थित थे। आरोपी ने बताया कि वह नगर के एक बड़े के लिए चरपट लेकर जा रहा था। मंगलवार रात को चिचखेड़ा पार्टी के हाईवे पुलिया के नीचे हुए हादसे में बाइक सवार बैलगाड़ी से टकरा गए। घटना में बाइक सवार दंपत्ति बुरी तरह से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जामलापानी निवासी राजू साहू उम्र 39 वर्ष और उनकी पत्नी बल्टी साहू अपने गांव लौट रहे थे। अंधेरे में सामने से आए दुपहिया वाहन के हेडलाइट के कारण वे सड़क किनारे हुए तो अंधेरे से जा रही बैलगाड़ी से टकरा गए। दोनों को चोटें लगी। 108 वाहन की मदद से घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहाँ उपचार जारी है।